प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर ओस्मानी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है उनके क्वेश्चन होगी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर होना है आज हमारा 111। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 111। 111 क्वेश्चन में कहा गया है, सीरीज दी गई है 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 2 n पदों तक हम इसका योग बता। n पदों तक क्या बताना है, इसका योग बताना। जब हमें n पदों तक योग बताना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि अगर मैं इनको तोड़ लूं, यानी पहला पहला पार्ट सबका अलग कर लें, तो 1 प्लस k 1 प्लस k 1 प्लस k 2। अब जरा देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, n। तो जब 1 1 1 1 1 देंगे तो कितनी बार आएगा, n बार आएगा, यानी कि n बार आएंगे इसमें प्लस। लेकिन यहां देख रहे हैं माइनस का कितना, 1 अपॉन है, माइनस के यहां से 2 अपॉन है, माइनस के यहां से 3 अपॉन है, और डॉट डॉट। ऐसा ही जब हम इसमें देखेंगे तो इसके भी हमारे पास कितने पद आएंगे, n पद ही आएंगे। जरा देखेंगे, अगर मैं इन सबको यहां से यहां तक जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर एक पद है तो एक आएगा, तो 2 होंगे तो 2 आ जाएगा, 3 होते तो 3 आ जाता, और 4 होते तो 4 आ जाता। लेकिन अगर एन पद है तो एन आएगा, माइनस में यहां से कोमन ले लेता हूं, कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा 1 अपॉन n प्लस के 2 अपॉन n प्लस के 3 अपॉन n और प्लस के 2 डॉट, और इसका जो अंतिम पद होगा वो होगा n। ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो n माइनस, और यहां से देखेंगे तो इन सब पे जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा कि 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और प्लस के डॉट डॉट n। और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि n माइनस, ये हमारे पास सिग्मा n का एक फार्मूला बनता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं सिग्मा एन अपॉन एन, और एन माइनस, और सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 एन और एन प्लस 1 और अपॉन ये वाला है। ऐसे इस एन से ये एन कटेगा और यहां से जाएगा एन माइनस, अंदर जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एन प्लस 1। दोनों कैंसिल ले लीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 एन माइनस के एन और माइनस के 1, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, n माइनस 2 अपॉन 2। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 112। कह रहे हैं 23 से 100 तक की, 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी है, यानी कि संख्याओं की संख्या बतानी है। तो 23 से शुरू करनी है, 6 से भाग होनी है, तो बताइए 23 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 6 से भाग हो जाएगी। तो 6 6 24, यानी कि इसका मतलब 24 होगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 112, तो पहली संख्या तो हो जाएगी कितनी, 24। 24 के बाद 30, 30 के बाद 36 और डॉट डॉट, ऐसे ही हम देखेंगे तो 6 से भाग होने वाली कौन सी होगी हमारे पास, 6 से भाग होने वाली होने के पास 96, क्योंकि 100 तक की बात कही है। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पर, तो देख रहे हैं संख्या पता नहीं यहां से यहां तक कितनी हुई, तो हम देखेंगे यानी समांतर श्रेणी हुई हमारे पास, और समांतर श्रेणी में पहला पद ए बराबर हुआ 24, डी बराबर हुआ कितना, 30 माइनस के 24 यानी कि 6, एल यानी कि अंतिम पद कितना हुआ हमारे पास 96। हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 96 बराबर 1 अपॉन 24 प्लस के एन माइनस 1 हमें निकालना है इंटू डी का मान 6। इसको उधर लाएंगे तो घटा देंगे 96 में से 24, तो 96 माइनस के 24 बराबर हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू 6, और ये हो जाएगा 72 बराबर एन माइनस के 1 इंटू 6। 6 से काट देंगे तो 12 बार
तो एन माइनस के वन बराबर कितना हो जाएगा, 12 और n बराबर हमारे पास 13। इसका मतलब इस पॉइंट के अंदर जो है वो कितने पर होंगे, वो 13 संख्याएं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 113 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 100 तक की सम प्राकृत संख्या का योग होता है। तो 100 तक की सम प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब 100 तक, इसका मतलब 100 भी लेना है। अब 100 तक में लेना तो कहां से शुरू करेंगे, सम संख्या होती 2, 4, 6, 8, 10 कहां 100 तक, सम प्राकृत संख्याओं का योग बताना। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे हम, तो हमारे पास क्या हुआ, हम देख रहे हैं कितना क्या, ए बराबर कितना हुआ हमारे पास 2, डी बराबर कितना हुआ हमारे पास 2, एल बराबर कितना हुआ हमारे पास 100, और एन बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 50। तो देखिए चाहे तो आप एन ऐसे ही हम देख रहे हैं, क्योंकि यदि 50 करके हैं तो 50 हो जाएगा, या आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो। हमारे पास फार्मूला, हमारे टोटल पूछा तो हम बताएंगे कितना के एस एन बराबर एन बाई टू, और क्या क्या होगा फार्मूला, ए प्लस एन का मान यानी कि एस 50, इनमें 50 को 2 का योग निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50/2, और ए का मान 2 प्लस के, और एल का मान कितना है 100, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 102। पूरा करेंगे 25 × 50 और 25 × 25, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2550। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। दो अंकों की है ना 5 से विभक्त होने वाली, तो देखिए हमें दो अंकों से चलना है, 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, इसको बताता हूं। सबसे पहले दो अंकों की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 114, तो दो अंकों की, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10, तो 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 10 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 जो है वो 5 से विभाग होता है, तो 10 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, और कहां तक, दो अंकों की, तो दो अंकों तक कहां, अगर हम 100 पर पहुंच जाएंगे तो हमारे पास 3 अंक हो जाएंगे, तो वापस आना पड़ेगा, तो वापस हो जाएगा संख्या कितना 95। तो हम देखेंगे यहां पर ए बराबर कितना हुआ 10, डी बराबर कितना हुआ 5, एल बराबर कितना हुआ 95। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हमें एन का मान नहीं पता, तो एन का मान आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल का मान कितना हुआ 95 बराबर ए का मान कितना 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 5 करेंगे तो 95 से 10 इधर आएगा तो कितना बचेगा 85 बराबर, इधर को दिया एन माइनस के 1 इंटू 5, और ये वाला 5 से काटेगा कितना मान कटेगा 17, और ये एक घटा करके जुड़ जाएगा एन बराबर 17/18। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी 18। अब हमें इसका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए फार्मूला हमने लिखा है एस एन बराबर एन बाई टू और ए प्लस के है, वही फार्मूला जरा देंगे, एन का मान कितना हुआ 18/2, और ए का मान हुआ कितना 10, और एल का मान कितना हुआ 95। काटेंगे 9 कट जाएगा, तो याद आएगा 9 × और ये बजाएगा हमारे पास 105, गुणा करेंगे 9 × 45 और 9 × 9, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 945। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, ये कह रहे हैं 6, 12 + 18 के कितने पदों का योग इतना है। 115 क्वेश्चन है, 6 + 12 + 18 + 24 + 22 के कितने पदों का, हमें नहीं पता कितने, तो मान लिया मैंने एन पदों का योग है ना, एन पदों का योग कितना है, इन्होंने कहा है हमसे 18। ठीक, तो हम यहां देखेंगे तो पदों का योग कितना दिया है, हमें पदों का योग बराबर दिया है 1800। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हुई, ये हमारे पास हुई एस एन बराबर 1800। ठीक, यहां से देख रहे हैं ए बराबर कितना हुआ हमारे पास 6, डी बराबर कितना हुआ यहां से 12 - 6 यानी कि 6, और देखेंगे
एस एन बराबर एम बाई टू और क्या डाले में ए टू ए प्लस के एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला डाल दीजिए। तो एस एन बराबर हुआ कितना 1800 बराबर एन का मान हमें पता नहीं, तो एन बाई टू टू ए का मान हो गया 6 प्लस एन माइनस वन इन टू डी का मान भी हो गया कितना 6। करेंगे यहां से तो ये हो जाएगा हमारे पास 1800 बराबर एन बाई टू, यहां से अगर 6 तो 12 प्लस के 6 एन माइनस के 6 यानी कि हो गया 1800 बराबर एन बाई टू, और ये हो जाएगा देखिए घटाएंगे इसको तो बचेगा हमारे पास कितना के 6 एन प्लस के 6, 6 एन प्लस के 6 यहां से 6 कॉमन ले लेंगे तो हो गया 1800 बराबर एन बाई टू ऐसे लिखा, और यहां से 6 एन कॉमन लिया तो बचा एन प्लस के 1, काटेंगे 2 3 6 और 3 से काटेंगे 3 6 18 यानी कि 600, तो ये हो गया 600 बराबर हो गया इसके अंदर वहां करेंगे कि वो 6 कॉमन होगा यहां से, तो ये बचेगा हमारे पास कितना कि एन स्क्वायर प्लस के एन, अब हम इसको लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस के एन माइनस के 600 बराबर 0। तो अब हमें देखना है कि अब हमको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसके गुणा तो 600 आए और उसका अंतर कितना है 1 आए, इसके टुकड़े करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25 और 24, तो हम लिखेंगे कितना के एन स्क्वायर प्लस के एन माइनस के 600 बराबर 0 0, तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे कितना के 25 माइनस के 24 और एन माइनस के 600 बराबर 0, एन स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के 25 एन माइनस के 24 एन और माइनस के 600 बराबर 0, यहाँ से हमको मिलेंगे एन तो बचिए एन प्लस के 25 और यहाँ से माइनस के 24 को मिलेंगे कहीं एन प्लस के 25 बराबर 0, दोनों सेम हो गए तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे एन प्लस के 25 और यहाँ से कॉमन लेगा एन माइनस के 24 बराबर 0, फिर वही काम करेंगे क्या यदि एन प्लस के 25 बराबर 0 तो एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 25, तो संख्या हमारी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती तो उसको छोड़ देंगे और फिर लेंगे हम यदि एन माइनस के 24 बराबर 0 तो एन बराबर कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब यह है कि इसमें जो पदों की संख्या होगी वहां हमारी कितनी होगी 24 होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। 116 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन में कहा श्रेणी 3 6 12 24 48 में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो देखिए कह रहे हैं 3 6 12 24 48 डॉट डॉट और इसका जो अंतिम पद दिया है वो दिया 384 384 ठीक, जरा देखेंगे। तो ये सवाल हमारे इस प्रश्नावली में एक अलग ही तरीके का सवाल है, क्योंकि अक्सर जो हमने श्रेणी के बारे में आपको बताया था वो हमने श्रेणी बताई थी आपको समांतर श्रेणी, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये गुणोत्तर श्रेणी का है, तो हम यहां से देखेंगे क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि 3 के बाद 4 आया यानी कि दुगुना हुआ, फिर 6 के बाद 12 हुआ फिर दुगुना हुआ, फिर 12 के बाद 24 आया यानी कि फिर दुगुना हुआ, और 24 के बाद 48 आया फिर दुगुना हुआ, तो चूंकि यहाँ पर दो गुना हो रहा है कि गुणा हो रही है तो ऐसे श्रेणी को हम क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, है ना। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणियों के लिए अलग हमारे पास एक फार्मूला होता है वहां देखेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास जो प्रथम पद होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं और यहाँ जो हमारे पास होता है यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रथम पद ए और यहाँ जो होता है वो कहलाता है हमारे पास सार अनुपात, सार अनुपात, तो सार अनुपात जो होता है वो होता है हमारे पास कितना कि दूसरा पद बटे पहला पद, ये इसका फार्मूला होता है पहला पद पूरी बात ले लीजिए तो यह कितना 6 बटे 3 यानी कि 3 गुणे 6 तो ये होता है हमारे पास 2 और इसे हम जो है किससे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं आर से, तो आर के मान ये हो गया हमारे पास है ना। अब और एल बराबर यानी कि अंतिम पद जो पिछले श्रेणी की तरह है अंतिम पद एल बराबर हो गया हमारे पास 384। तो अब जो फार्मूला है इसका गुणोत्तर श्रेणी का जो फार्मूला है वो क्या होता है
वो फार्मूला होता है कितना कि टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, ये इसका फार्मूला। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इसमें दो फार्मूले होते हैं, ये तो पद निकालने का होता है और एन पदों का योग, यानी कि अगर हमें ऐसे में निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है ए और आर की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, सॉरी गलत हो गया, तो ये गुरुत्व श्रेणी के अनुपदों के योग के फार्मूला होता है क्या कि Sn बराबर ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कब, जब आर बड़ा हो एक से, और अगर आर की वैल्यू एक से छोटी हो तो Sn बराबर होता है ए और वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। एक फार्मूला और भी होता है इसमें, क्या एक फार्मूला इसमें होता है कि यदि यदि आर का मान छोटा हो किससे, एक से, आर का मान एक से छोटा हो और अनंत पदों का योग निकलवाए तो एक फार्मूला होता है हमारे पास एस अनंत बराबर होता है ए अपॉन वन माइनस आर। एक फार्मूला ये भी होता है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक। तो ये इसके फार्मूले हैं, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फार्मूला लगाएंगे क्या कि एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, एल का मान कितना 384 बराबर ए का मान कितना 3, आर का मान कितना यानी कि 2 और 2 की पावर कितनी है हमारे पास एन माइनस वन। 3 से काटेंगे बटे में लाएंगे तो 3 3 3 6 और 3 8 24 128, और 128 को 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 यानी कि 2 की पावर 7 और बराबर हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस वन। दोनों की पावर भी कंपेयर कर देंगे तो एन माइनस वन बराबर 7 एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 8। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पदों की संख्या होगी वो हमारे पास कितनी होगी 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 और डॉट डॉट 3 की पावर 9 की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि 3 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 9 ये हमें सवाल दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। कोई बात नहीं, कौन सी श्रेणी होगी हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी मान निकाल दीजिए। हम देखेंगे ए बराबर कितना हुआ है 3, आर बराबर कितना हुआ 3, ठीक। और देखिए एन की वैल्यू अगर मैं यहां से चेक करूं तो कहां से चेक हो सकती है एन की वैल्यू, तो देखिए एन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो अगर मैं चाहूं 3 से तो 3 से तो पता नहीं चलेगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ नहीं लगना पता। लेकिन अगर मैं घात से देखना चाहूं तो 3 3 यहाँ पे, इसके मतलब 1 पद है तो 1 2 पद है तो 2 3 पद है तो 3 4 पद है 4, इसके मतलब जब अंतिम पद 9 है तभी तो घात 9 आई होगी, तो इसके मतलब एन बराबर कितना हो गया मेरे पास 9। अब हम फार्मूला लगा देंगे और क्या देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आर का जो मान है वो किससे बड़ा है किससे 1 से। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कितना एस एन बराबर ए और आर की पावर एन माइनस के वन अपॉन आर को माइनस डालेंगे, ए का मान होंगे 3 और आर का मान होंगे 3 की पावर एन का मान 9 और माइनस के 1 बटे और 3 - 1 3 × 3 की पावर 3 को खोलिए, 3 किया 9 किया 27 किया क्या सकते हैं 243 किया 19683 और माइनस के 1 और बटे रहेगा 2, और यहाँ से घटाएंगे तो 3 × 19682 और बटे 2, 2 से काटेंगे दोनों में 18 2 8 16 है तो जब 8 देते हैं तो, और इसके गुणा कर देंगे 3 से तो 3 × 3 = 3 तो हमसे लगा ये है ना 3 8 24 और 1 25 5 हमसे लगे 2 3 27 और तो 29 यानी कि ये हो गया मतलब 29523। तो यह हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 29523। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118। 118 में अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 1 की पावर 2 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 2 + 4 की पावर 2, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 + 2 और हमारे पास है 10 की पावर। ये सवाल, तो इस सवाल के लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको क्या कि सिग्मा एन स्क्वायर,
सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको कि 1 अपॉन 6 है ना, एन एन प्लस 1 और 2 एन प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसका वैल्यू डाल दीजिए, इसका फॉर्मूला लेना चाहिए, तो 1 अपॉन 6 एन का मान कितना डालेंगे यहाँ, 10 10 रहे 11 गुणा 10 दूनी 20 रहे 21, ऐसे डाल दीजिए सीधा सीधा। तो यहाँ से काटेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 फिर 6 और 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35 गुणा 11, 11 पंजे 55 का 5 हाथ से जाएगा 5 और 11 से 35 और 5 35 350, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 200 बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 119, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 प्लस के डॉट डॉट, और ये है हमारे पास 20 की पावर 2। अब देखिए क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को किसी न किसी फार्मूले के रूप में ले जाने का प्रयास करेंगे, और यहां पर हम देखेंगे कि अगर मैं यहां से टू सबसे कॉमन ले लूं है ना, तो हमारा क्वेश्चन को आसान हो सकता है। लेकिन टू कॉमन जब हम लेंगे तो उसकी पावर हर पार्ट की पावर टू है, तो अकेला टू बाहर नहीं आ सकता, बल्कि टू की पावर ही टू बाहर आएगा। तो यहां से अगर हम बाहर ले लेंगे तो टू की पावर टू कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा टू की पावर जीरो, यानी यहां बचेगा वन की पावर टू, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, और यहाँ बचेगा 3 की पावर 2 प्लस के डॉट डॉट हो जाएगा 10 की पावर 2। तो ये हो गया, देखिए 2 दूनी 4 तो ये होगा, और अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है और उसका आंसर हमारा आपको हमारे पास आया था शायद 385। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 385 पिछले साल से है ना, और गुणा कर लेंगे तो 520 का जगह चले गए 2 और 432 चार अट्ठे 32 और 2 34 हाथ से लगे 3, 4 अट्ठे 12 और 3 1540, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 120 क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा है कि 11 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर और प्लस के डॉट डॉट और कहा है 20 का स्क्वायर। अब देखिए ये सवाल के लिए थोड़ा सा अलग सवाल है, अलग तरीके से करना पड़ेगा हमें। क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो वर्गों का हो और जो बीच में से कहीं से दिया हो, तो अगर मैं इस सवाल में कुछ अपने पास से जोड़ दूं और कुछ अपने पास से घटा दूं तो मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि अगर मैं इस सवाल को ऐसा कर दूं कि हाँ कि 1 का वर्ग प्लस के 2 का वर्ग प्लस के 3 का वर्ग प्लस के डॉट डॉट और कितना, यानी कि 10 का वर्ग और प्लस के 11 का वर्ग और प्लस के 12 का वर्ग और प्लस के डॉट डॉट कितना 20 का वर्ग, मतलब मैंने कहा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसमें जोड़ लिया और मैं इसी पार्ट को यहाँ से घटा लूँ यानी कि माइनस कर लूँ 1 का वर्ग माइनस के 2 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग माइनस के 4 का वर्ग और डॉट डॉट कितना 10 का वर्ग, तो मैं समझता हूँ यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 से लेकर के 20 तक का, यानी कि मैं कह सकता हूँ सिग्मा कितना एन यानी कि 20 का स्क्वायर और माइनस यहां से कॉमन ले लूंगा तो ये मार्क मेरे पास हो जाएगा सिग्मा 10 का स्क्वायर। यहां से देखेंगे सिग्मा 20 का स्क्वायर एन के सिग्मा एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, तो 1 अपॉन 6 एन एन का मान 20 है ना और एन प्लस 1 यानी कि 21 और 2 एन प्लस 1 यानी कि 20 और एक 20 दूनी 40 और एक 41 41 हो जाएगा और माइनस के 1 अपॉन 6 हो जाएगा कितना 10 11 और ये हो जाएगा 10 में 20 और 21 ये हमारा। यहां से मेरी कुछ कॉमन हो जाएगा, मेरे पास में देख रहा हूं कि 1 अपॉन 6 कॉमन हो जाएगा, यहां से हमारे पास 21 कॉमन हो जाएगा और मैं समझता हूं यहां से 10 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहां से 1 अपॉन 6 10 कॉमन हो तो यहां से बचा 2, 21 बाहर गया यहाँ हो गया 41 माइनस 1 अपॉन 6 बाहर गया, 10 बाहर गया 21 बाहर गया तो यहाँ पर बचा 11। तो ये हो गया हमारे पास, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन 6 और ये वर्ग के 210 और
बयासी, इसका आंसर बयासी, तो माइनस 11 काट दीजिए, दो से काटते हैं तो दो दिया छः है ना, और ये हो गया 105, फिर काटते तीन से, तीन तीन नौ, तीन पंजे 15, तो ये कितना 35 गुणा, यहाँ से घटा देंगे तो एक बचा और सेवन बचा, गुणा करेंगे 35 की और 71 की गुणा कर लेंगे और 35 और 71 की गुणा करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2485। ये हमारा आंसर। तो इसी सवाल के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट समाप्त होता है।